तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। आई होप सो कि आप लोगों ने मेरी ओल्ड वीडियोस सारी की सारी देख ली होंगी, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट से सेटअप किया था काले लिनक्स को। फिर हम लोगों ने भाई उसके अंदर जो फायरफॉक्स में आने वाला एरर था उसको फिक्स किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और एरर को फिक्स करने वाले हैं जो कि फायरफॉक्स में आता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग फायरफॉक्स के अंदर भाई यूट्यूब चलाते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी ऑडियो नहीं देखने को मिलती। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा एंड्रॉयड डिवाइस है और मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे टर्मेक्स X11 ओपन करता हूँ, जिसके अंदर काले लिनक्स मेरा बहुत ही अच्छे से रनिंग है। अब ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ओल्ड वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ओल्ड वीडियोज़ मेरी देखनी है तो आप लोग सिंपल से क्या करिए, देखिए आई बटन के ऊपर एक पॉपअप लिंक आ रही होगी, आप उसके ऊपर सिंपल से क्लिक कीजिएगा और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे भाई, मतलब बिल्कुल जो ओरिजिनल डेस्कटॉप होता है काले लिनक्स का उस जैसा फील देता है, ठीक है। मैं सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और ये फायरफॉक्स को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा फायरफॉक्स भी ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो को प्ले कर रखा है। आपको यहाँ पे देखिए कोई भी ऑडियो सुनने के लिए नहीं मिल रही होगी क्योंकि यहाँ पे ऑडियो का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और एक तरीके से आप लोग इसको और चेक कर सकते हो कि आपके मतलब इस डिवाइस के अंदर ऑडियो का सपोर्ट है या नहीं। आपको सिंपल से क्या करना होता है, ये जो काले लिनक्स का आइकन है ना, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए ये जो सेटिंग का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आपको थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। जैसे आप लोग स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे देखिए ये जो पल्स ऑडियो वाला सेक्शन है ना, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए, ठीक। जैसे आप लोगों ने उसको क्लिक किया ना, यहाँ पे देखिए आप लोगों का वॉल्यूम कंट्रोल ओपन हो गया है और यहाँ पे कुछ कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ आ रही है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर आप लोगों में भी इस टाइप का सेक्शन आ रहा है तो आपको ऑडियो नहीं मिलने वाली। अब आप लोगों को करना पड़ेगा इसे फिक्स। आइए हम लोग देखते कैसे करेंगे। सिंपल से मैं क्या करता हूँ, अपना ये जो काले लिनक्स है इसको पूरा मैं कट कर दे रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कर दे रहा हूँ। मैं एक और काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड से भी काले लिनक्स को अपने कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गया और ये पूरा मैंने टर्मेक्स कट कर दिया, ओके। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से हमारा टर्मेक्स कट हो गया है। अब आप लोगों को सिंपल से जानते हो क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल की आपको ज़रूरत होगी। मेरी हर वीडियो के अंदर एक टेक्स्ट फाइल होती है, ये टेक्स्ट फाइल भी आपको मिलने वाली है पिन कमेंट में। सिंपल से आप लोग पिन कमेंट में चले जाना, इस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर लेना। कोई भी दिक्कत है डाउनलोड करने में तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, यहाँ आई बटन पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, आपको एग्जैक्टली इनको फॉलो करना है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सब तुमको टर्मेक्स में करना है, ठीक। तो आप लोगों को सबसे पहले जो टर्मेक्स का शेल है ना उसको ओपन करना होगा और वहाँ ओपन करने के बाद आपको ये तीनों कमांड को वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ, इन तीनों कमांड को कर लेता हूँ कॉपी, ओके। मैंने इन तीनों कमांड को सिंपल से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से आता हूँ टर्मेक्स के ऊपर और मैं टर्मेक्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग टर्मेक्स ओपन करोगे, ये है टर्मेक्स का शेल और आपको वो तीनों कमांड इसी शेल के अंदर डालना है, ठीक है। आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट, ठीक। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपल से एंटर कर दे रहा हूँ और एंटर करते ही आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई यस या फिर नो से रिलेटेड चीज़ आए तो आपको सिंपल से क्या करना है, वाई, वाई मतलब यस होता है, आपको सिंपल से वाई लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग वाई लिख करके एंटर कर दोगे ना, तो आपके ये जो तीनों कमांड है वो एक के बाद एक्सिक्यूट होंगे और जो थर्ड वाला कमांड है जब वो एक्सिक्यूट होगा ना, तब आप लोगों को कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कुछ इस टाइप की फाइल यहाँ पर आप लोगों की खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इस फाइल के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या एडिट करना है। सिंपल से आपको क्या करना है, चले जाना है उसी टेक्स्ट फाइल के ऊपर और टेक्स्ट फाइल को सिंपल से आप लोगों को ओपन कर लेना है, ओके। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ अपने टेक्स्ट फाइल के ऊपर और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अब तुमको लोड मॉड्यूल नेटिव TCP लाइन फाइंड करना है और उसको रिमूव करके ये पेस्ट करना है, ठीक है। क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को पेस्ट करना है हमें। हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक। मैंने कॉपी कर लिया, बहुत ही सिंपल। हम लोगों को कौन सी लाइन फाइंड आउट करनी है, लोड मॉड्यूल नेटिव TCP लाइन, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं इस लाइन को, लोड मॉड्यूल नेटिव TCP लाइन, ओके। यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है लोड मॉड्यूल नेटिव TCP लाइन, ओके। हम लोग बेसिकली नेटिव TCP लाइन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे लोड मॉड्यूल, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का सेक्शन है कुछ, यही वो लाइन है जिसे हम लोगों को फाइंड आउट करना था और इसी को रिमूव करके हम लोगों को वो पूरी लाइन यहीं पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ बैक में चला जाता हूँ मैं और बैक में जाने के बाद मैं सिंपल से इस पूरी लाइन को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। आप लोग ध्यान से देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ,
गलत मत करना, गलत करोगे तो ऑडियो वर्क नहीं करेगी और फिर आप लोग बोलोगे कि भाई वीडियो आपने ऐसे ही बना दी, ये वीडियो रियल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, सिंपल से इसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद सिंपल से इसको पेस्ट कर दीजिए, ओके। अभी आप पेस्ट करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन आ चुकी है। अगर आप लोग बैक करोगे ना तो आपको स्टार्ट में सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लोड मॉड्यूल, नेटिव प्रोटोकॉल, TCP और उसके आगे जो भी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सब आ गया है। चलो बहुत बढ़िया, अभी आपको क्या करना है, सिंपल से कंट्रोल दबाना है और X दबा करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के लिए हम लोग Y दबाएंगे और इंटर कर देंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर। अब अगला स्टेप क्या कहता है, अब इस फाइल को ओपन करो। कौन सी फाइल है, इस फाइल को हमें ओपन करना है। सिंपल से ये नैनो से रिलेटेड कोई फाइल है, इसको मैं सिंपल से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से आ जाता हूँ इसी जगह पे, और इस जगह पे आने के बाद इसको करता हूँ पेस्ट और सिंपल से करता हूँ इंटर। ओके, इंटर मैंने कर दिया। अभी इसके आगे क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एग्जिट आइडल टाइम को -1 करके सेव करो। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमें कोई टाइम ढूंढना है जो कि एग्जिट आइडल टाइम है और उसे -1 कर देना है। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पे आते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, टाइम, यहाँ पे देखिए एग्जिट आइडल टाइम आ चुका है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। इसको सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, -1। ओके, -1, चलो हम लोगों ने -1 कर दिया और कंट्रोल X Y और यहाँ से इंटर, ठीक है। जैसे हम लोग इसको इंटर कर देंगे, ओके, ये कट नहीं हुआ, वापस से हम लोग, ओके, कट हो गया, मैंने जैसे कंट्रोल दबाया वापस से कट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी यहाँ तक का हमारा प्रोसेस हो गया है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अब फाइनल काम करो। इसको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे सिंपल से एक नैनो फाइल बनाने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। नैनो की हेल्प से एक फाइल को बनाने के लिए बोला जा रहा है, उस फाइल का नाम है साउंड। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे आकर के एक साउंड नाम की फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये सारा स्टेप हम लोग टर्मेक्स के अंदर कर रहे हैं, नेट हंटर के अंदर नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से नैनो साउंड, ठीक है, नैनो साउंड लिख देते हैं और सिंपल से कर देते हैं इंटर। जैसे हम लोग इंटर करेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप का कुछ सेक्शन आ गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं वापस से, और यहाँ पे ये जो पूरा कमांड है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। ओके, मैं सिंपल से यहाँ तक इसको पूरा कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी किया हम लोगों ने, और कॉपी करने के बाद सिंपल से आ जाते हैं इसी जगह, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल से कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे सारा कमांड पेस्ट हो गया है, आप इसको बैक करके पूरा कमांड देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से करेंगे कंट्रोल X एंड Y सेव करने के लिए, प्लस इंटर। ओके, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये सारा भी प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो गया। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से ध्यान से देखो, अब सेव करने के बाद हमें इसको परमिशन देनी, ओके, परमिशन तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, एक्सक्यूट कराने की परमिशन देनी होती है, ठीक है। सिंपल से आप एक बार क्या करना है, ls लिख देना। ls लिखने के बाद आपको क्या करना है, chmod, ठीक है, स्पेस देना और प्लस लिखना, और वापस से प्लस लिखने के बाद x लिख देना, और आपको क्या करना है कि स्टार बना देना है, ठीक है। स्टार से क्या होगा, जितनी फाइल होंगी सबको परमिशन मिल जाएगी, तो एक एक करके परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे देना तो एक को ही है, बट आप लोग स्टार लगा करके सबको परमिशन दे डालो, ठीक। सिंपल से मैंने इसको इंटर कर दिया है, बहुत बढ़िया। अब इंटर होने के बाद वापस से एक बार आप जब ls करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो साउंड का सेक्शन था ना, पहले ध्यान से देखो वाइट था, अभी ये ग्रीन हो गया है। ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको परमिशन दे दी है एक्सक्यूट करने की। चलो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग आ जाते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अब साउंड फाइल को स्टार्ट करो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काली नेट हंटर के अंदर जाओ और इस कमांड को पेस्ट करो। चलो बहुत बढ़िया, मैं सिंपल से इस कमांड को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक। मैंने इसको किया सिंपल से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ नेट हंटर के पास। इसको मैं साइड से एक न्यू सेशन ओपन कर लेता हूँ। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, न्यू सेशन कैसे ओपन होता है, ठीक है। NH लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ एक्सपोर्ट के लिए। और एक्सपोर्ट करने से भी पहले हम लोगों को क्या करना था, साउंड को एक्सक्यूट करना था, मतलब स्टार्ट करना था, ठीक है। तो आप लोग बैश लिख करके भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बैश साउंड, और सिंपल से मैं एंटर करूंगा। और अगर आपने सब कुछ एकदम परफेक्ट किया है, सारे कमांड को एकदम परफेक्टली डाला है, तो यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। बैश के साथ जैसे आप लोग इसको एक्सक्यूट करोगे ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी एरर, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने नेट हंटर के ऊपर वापस से चले जाते हैं और इस कमांड को भी अब एक्सक्यूट करा देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया,
अभी यहाँ पे ये कमांड भी एक्सक्यूट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेट हंटर को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग VNC सर्वर के ऊपर चलाते हो तो आप लोग यहाँ पे केक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप लोग मेरी पूरी प्लेलिस्ट को देख करके आ रहे हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने टर्मेक्स X11 के साथ काली नेट हंटर को सेटअप किया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से अपने जो टर्मेक्स X11 वाली फाइल है ना, उसको ओपन कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी वो ओपन हो गई है। अभी मैं यहाँ पे सिंपल से कमांड्स को कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जल्दी जल्दी पेस्ट करके टर्मेक्स X11 की मदद से भाई स्टार्ट कर देता हूँ अपने नेट हंटर को, ठीक है। सिंपल से मैं क्या करूँगा, ये जो पहला कमांड है मेरा, इसको मुझे डालना है टर्मेक्स के अंदर, ओके। यहाँ पे मैं गया और सिंपल से मैंने इसको किया पेस्ट, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पहला कमांड एक्सक्यूट हो गया हमारा। अभी हमें जो बाकी के कमांड्स डालने हैं, वो कमांड डालने हैं हमें नेट हंटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिस्प्ले 1। जब आप लोग VNC के साथ करोगे ये सब काम तो वहाँ पे बहुत ही आसान होता है, सिंपल से केक्स को स्टार्ट करो, बट जब टर्मेक्स X11 के साथ करते हो आप, तब वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बट क्योंकि ये थोड़ा VNC से ज़्यादा स्मूथ चलता है, तो थोड़ा सा वर्थ इट लगता है मुझे कि हाँ थोड़ा सा मैं लेंदी प्रोसेस कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग गए, इस सेशन वाले कमांड को भी करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं कर देता हूँ इस कमांड को भी यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद सिंपल से मैंने किया एंटर, और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा X11 भी बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड में स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा काले लिनक्स बहुत ही अच्छे से रन हो गया। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये जो हमारा पल्स ऑडियो वाला वॉल्यूम कंट्रोल था ना, ये क्या रनिंग है या नहीं रनिंग है, ठीक है। हम लोग सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब की बार यहाँ पे देखिए ध्यान से सब कुछ यहाँ पे दिखाने लगा है। पहले का याद कीजिए, पहले ये सब नहीं दिखा रहा था, बट अगर आप में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखा रही हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो भी प्रोसेस किया है ना भाई, एक नंबर किया है, सारा प्रोसेस आपका वर्किंग है, ठीक है। अभी हम लोगों को बस इसको टेस्ट करना है। मैं जल्दी से फायरफॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ और एक वीडियो को यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने हेडफोन लगा लिया ताकि पता चल पाए कि हाँ वीडियो प्ले हो रही है नहीं ऑडियो के साथ। क्या पीते हैं भाई? थम्सअप। तूफान, अच्छा सॉरी। चलिए, फिलहाल अभी हम लोगों ने तूफान को भी कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों ने भाई बहुत ही अच्छे तरीके से भाई जो वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम थी अपने फायरफॉक्स के अंदर उसे फिक्स कर दिया। आप लोगों से अगर ये सारी चीज़ें हो जाए और फिक्स हो जाए तो प्लीज़ आप लोग भाई एक चीज़ कमेंट कर देना, लिख देना वॉल्यूम प्रॉब्लम फिक्स। बस आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल से लिखना है वॉल्यूम प्रॉब्लम फिक्स, ताकि दूसरे लोग भी कमेंट को देखें और उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई वीडियो जेन्युइन है और इस वीडियो को देखने के बाद उनकी फायरफॉक्स की वॉल्यूम प्रॉब्लम बहुत ही आराम से फिक्स हो जाएगी। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।